हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का। इसमें अपने को दिया हुआ है -4 और 6 दिया हुआ है। बीच के जो पद विलुप्त हैं उनको ज्ञात करना है। तो ये है अपना A1, A2, A3, A4, A5 और A6। ठीक है, अब अपने को A2, A3, A4, A5 ज्ञात करना है। जो पद अपने को दिए हैं अपने उन्हीं से ज्ञात करेंगे। अपने को 6 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1। तो A6 कैसे होता है, A1 प्लस कितने डी होंगे, 5 डी। ठीक है, यानी जो 1 दिया हुआ यहाँ पे 6 है, तो ये 1 और 5 कितने होंगे, 6 हो गए, यानी बराबर हो रहा है। A6 का मान कितना है 6, A का मान कितना है -4 और 5 डी। ये इधर आएगा किस में हो जाएगा, प्लस में 10, 5 डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2। ठीक है, अब इससे अपने आगे वाले पद ज्ञात करेंगे। A6 कैसे ज्ञात करते हैं, A5 प्लस डी, ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो A6 का मान कितना है 6, A5 का मान अपने को ज्ञात करना है, D का मान कितना हो गया 2। जब ये इधर आएगा तो माइनस में, तो A5 का मान कितना आ गया 4। ठीक है, इसी तरह A4 ज्ञात करेंगे। तो A4 ज्ञात करने के लिए A5 बराबर A4 प्लस D होता है। A5 का मान अपने 4 निकाल लिया, A4 और D का मान कितना है 2। तो A4 का मान कितना आ गया 2, यानी अपने ने A5 निकाला 4, A4 निकाला 2। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 के बाद 4 पहले, फिर 2, 2 से पहले 0, 0 से पहले -2, -4। ठीक है, ये अपने समांतर श्रेणी का पहला क्वेश्चन।